हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट मिशो हॉल। तो बर्थडे पार्टीज और एनिवर्सरी पार्टीज में यूज होने वाले कुछ आइटम्स मैंने रिसेंटली मिशो से परचेज किए हैं, तो वही सब मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और सबसे वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उन्हें किस तरह यूज़ किया है, किस तरह स्टाइल किया। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और इन प्रोडक्ट्स में से आपको कोई भी पसंद आता है तो उसके जो प्रोडक्ट्स कोड हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आइटम है वो मैंने मंगाया है ये वाइट नेट कर्टेन। एक्चुअली इस पर कर्टेन लिखा हुआ था, लेकिन कर्टेन जैसे इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक वाइट फैब्रिक है नेट का। ये देखिए, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ बैकड्रॉप के लिए। तो इसकी जो क्वालिटी है वो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है, और इस पर कोई भी इसका साइज़ मेंशन नहीं था, इस पर बस फ्री साइज़ लिखा हुआ था। तो उस हिसाब से मेरे को ये काफ़ी अच्छी लेंथ में रिसीव हुई है। तो जब मैं इसको स्टाइल करूँगी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी। एंड जो दूसरी चीज़ मैंने मंगाई है वो है ये बलून्स। ये हैं मेटेलिक बलून्स। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आपको अलग अलग कलर के बलून्स लेने पड़ेंगे, लेकिन मीशो पे मुझे ये दिखाई दिए जिसमें एक ही पैक में तीन कलर के बलून्स थे, वाइट, पिंक एंड रेड। तो मेरी बर्थडे थीम के अकॉर्डिंग मुझे यही सब चाहिए था, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। इसकी जो क्वांटिटी थी वो इस पर मेंशन थी 100 पीसेस, लेकिन मुझे 7 पीस एक्स्ट्रा ही मिले हैं। और जिनकी क्वालिटी है, इनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करती हूँ, तो क्वालिटी एक एक बलून की बहुत अच्छी है। साइज़ भी देखिए, इन बलून का काफ़ी बड़ा है। तो ये भी मैंने किस तरह डेकोरेट किए हैं वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये बलून स्टैंड। ये एक बलून स्टैंड होता है जिसमें आप 5-6 बलून्स लगा के टेबल पे, मतलब टेबल पे रख सकते हैं, या किसी भी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है इसका, सॉरी, ये होता है इसका बेस। यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे, इसमें आपको ये जो पाइप्स होते हैं इसमें कुछ पाइप और कनेक्टर्स दिए होते हैं जिनको आपको इस तरह कनेक्ट करके इसमें स्टैंड करना होता है। और बलून लगाने के लिए भी इसमें ऊपर ये इस तरह का दिया होता है जो आप इसको ऐसे लगा के इसमें बलून्स लगा सकते हैं। तो इसको किस तरह अटैच करना है और कैसे इसमें बलून लगाने हैं वो वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा नेक्स्ट आइटम जो मैंने मीशो से मंगाया है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है ये पिंक कलर में बर्थडे गर्ल लिखा हुआ बर्थडे सैश। क्वालिटी इसकी ठीक है, कलर वलर भी अच्छा है, बस थोड़ा इसमें क्या था, शिपिंग एक्स्ट्रा थी। बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ शिपिंग नहीं थी, इसमें मुझे शिपिंग चार्जेस देना पड़ा, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग वो भी ठीक था। और जो सबसे लास्ट मैंने मंगाया है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है, वो है ये ब्यूटीफुल सा मेटल का कपकेक। देख पा रहे हैं, कप केक होल्डर। ये केस शेप में है, इसमें छोटी सी यहाँ पे ये बर्ड बनी हुई है, ये पूरा मेटल है। और इसमें जो ट्रे हैं ये भी एकदम सेरेमिक का लुक देती हैं, लेकिन ये भी हैं एकदम मेटल में, और ये आप इजीली इनको निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरी वाली में मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये इस तरह की है, वाइट कलर में, और पूरा जो है ये गोल्डन केस की शेप में है। पॉलिश वगैरह इसकी अच्छी है, इसका प्राइस क्वालिटी एकदम बहुत ही परफेक्ट है। तो ये थे आज की वीडियो में जो मैंने जितने आइटम परचेज़ किए हैं वो मैंने आपको दिखाए। तो वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, आगे वीडियो में आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इनको स्टाइल किया या डेकोरेट किया। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं।
जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सब के प्रोडक्ट्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी या फिर इन सब आइटम्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।